जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी और बिहार में विपक्ष अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बिहार सीएम नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं। बीते 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। विपक्षी दलों को एक साथ लाने के नीतीश कुमार की कोशिशों के बीच अब उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। दोनों की तस्वीर वाले पोस्टर में लिखा है, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। आपको बता दें कि यह पोस्टर सपा नेता आईपी सिंह द्वारा लगाया गया है। माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई है कि मोदी सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए सपा इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे के साथ खड़ी नजर आ सकती है। वहीं अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इस मुहिम में वो नीतीश कुमार के साथ हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर पोस्टर लखनऊ से पहले बिहार में भी देखने को मिला था। बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर पर लिखा था, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर थी। पोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ही लगाए गए हैं। इसमें नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और भाकपा माले के महासचिव दीपा शंकर भट्टाचार्य से भी नीतीश कुमार मिल चुके हैं।